पीढ़ी खाते वापस लेने की मांग को लेकर सायला उपखंड में सरपंचों ने ग्राम पंचायतों पर ताले झड़कर जताया विरोध। पिछले कई दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष, सरपंचों ने गुरुवार को ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर तालाबंदी की। सरपंच संघ के प्रदेश स्तरीय आह्वान के बाद सरपंचों ने तालाबंदी करते हुए हड़ताल का ऐलान किया। सरपंचों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण क्षेत्र की गरीब एवं पिछड़ी जनता के उत्थान, ग्राम पंचायतों के संस्था प्रधान सरपंचों को दी जाने वाली सुविधाओं में समयानुकूल परिवर्तन, हक एवं अधिकारों की पुनः समीक्षा तथा गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए किए जाने वाले निर्माण कार्यों की जटिल नीति में सुधार के लिए पिछले कई सालों से सरपंच संघर्ष हैं। सरकार को बार बार ज्ञापन के बावजूद उनकी मांगों की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वहीं हाल ही में सरकार द्वारा पीढ़ी खाते खोलने के आदेश को वापस लेने की मांग के कारण ये फैसला लिया गया है। गुरुवार को सरपंचों ने पीढ़ी खाते वापस लेने की मांग उठाते हुए ग्राम पंचायत कार्यालय पर तालाबंदी के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे, मांगों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी तो आगामी दिनों में विधानसभा का घेराव करेंगे। पंचायत समिति क्षेत्र के सभी 45 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने अपने अपने ग्राम पंचायत कार्यालयों पर ताला झड़कर सरकार के प्रति विरोध जताया। इस दौरान रेवतड़ा, पांथेड़ी, ओटवाला, तिलोड़ा, थलवाड़, सायला, ओसाना, आलासन, जीवाणा सहित पूरे उपखंड की तमाम ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत स्तर पर गुरुवार को ताला जड़कर आक्रोश जताया। इस दौरान ओटवाला सरपंच दीपाराम, पाथेड़ी सरपंच मीरा देवासी, रेवतड़ा सरपंच गीता देवी, पोषणा सरपंच पिंटू देवी, आलासन सरपंच प्रियंका मेघवाल, बैरट सरपंच सैल सिंह राजपूत सहित अन्य सरपंचों ने भी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ताला जड़कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया। सरपंच संघ जिला जालौर प्रदेश सरपंच संघ के आह्वान पर प्रमुख जालौर जिले की संपूर्ण 307 पंचायतों में तालेबंदी की है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप पीढ़ी खाते को वापस लिया जाए। ये हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ सरपंचों के साथ कुठाराघात है। आपकी सरकार द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा जो पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए जो वित्तीय अधिकार दिए गए थे, जो आपकी सरकार द्वारा इसको हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सरकार से प्रदेश के पूरे सरपंच मांग करते हैं कि आप पीढ़ी खातों को तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा हम सरपंच संघ 30 तारीख को पूरे प्रदेश लेवल पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की रहेगी।